झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस समारोह धनबाद में मनाया गया। रविवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जेएमएम के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। सम्मेलन में बतौर अतिथि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें संबोधित किया। बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में राजमहल सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी सभी को खल रही थी। सभी के चेहरों पर मायूसी साफ देखी गई। मंच से अपने भाषण में सभी नेताओं ने हेमंत सोरेन पर हुई कार्रवाई का जोरदार विरोध करते हुए इसे अनैतिक करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पार्टी के मुश्किल घड़ी में पार्टी को एकजुट रखने के साथ साथ आगामी चुनाव में विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की अपील की। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, केंद्र सरकार लगातार इसे गिराने में लगी है। हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के मन में एक तरफ खुशी भी है और एक तरफ मायूसी भी है। मायूसी इस बात की है कि हमारे अत्यंत लोकप्रिय माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है, उसके लिए सभी लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनके साथ न्याय हो, न्यायालय से वो वहाँ से बरी होकर यहाँ आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। और दूसरी तरफ खुशी ये है कि भाजपा के षड्यंत्रों को नाकाम करने का जो मिसाल कायम हुआ है, यहाँ पर पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश थी और कैसे सूझबूझ के साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो काम अधूरा है माननीय हेमंत सोरेन जी का, गुरु जी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर उन्होंने जो काम शुरू किया था और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का जो उनका प्रयास था, वो माननीय चंपई सोरेन जी पूरा करेंगे और उन पर सबको इसलिए भरोसा है कि वो पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व हैं और हम सभी यही दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस मंच पर दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और माननीय हेमंत सोरेन जी उपस्थित नहीं हैं, तो उनकी कमी सबको बहुत ज़्यादा खल रही है। गुरु जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है उससे आप सभी वाकिफ हैं। पूरा देश देख रहा है और इसकी निंदा कर रहा है। इस देश से लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए इस तरह की साजिश न सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं और लगातार उसके दृष्टांत आपके सामने हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी एक निडर, निर्भीक और वीर आदिवासी लीडर के रूप में आज पूरे देश, पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं कि उन्होंने समझौता नहीं किया, किसी के आगे उन्होंने झुका नहीं, उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। हम सभी उनके सामने नतमस्तक हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो हम सबके बीच रहें और कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से कार्यक्रमों में भाग लें। 14 सीटों पर आप लोगों का दावा है कि हम फिर से आएंगे, तो उस परिस्थिति में कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं राज्य में, देखिए वो तो गठबंधन अब है और गठबंधन में जो भी तय होगा वो होगा, लेकिन तैयारी हमारी सभी सीटों पर रहेगी, क्योंकि गठबंधन भी होगा तो सब लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना है, इसलिए सहयोग करके किसी भी तरह से केंद्र में गठबंधन की सरकार लानी है, नहीं तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और जो विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, चंद लोग ही पूंजीपति बनते चले जाएंगे। जी मैम, जितने भी विधायक सत्ता पक्ष के सभी लोगों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में हैदराबाद भेजा गया है, ये बोलिए कि अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था कि वो नहीं, भरोसा है, देखिए भरोसा पूरा है, अगर भरोसा नहीं रहता तो फिर वो सब एकजुट नहीं रहते। बार बार वीडियो जारी करके सबने ये दावा पेश किया है कि सब साथ है, काउंटिंग भी की गई है, लेकिन जो तोड़फोड़ और जो राजनीति पूरे देश में देखने को मिल रही है, अभी हाल में महाराष्ट्र में दिखा, एक डेढ़ हफ्ते पहले बिहार में दिखा और बहुत राज्यों में दिखा, उसके तहत सभी विधायक अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, एकजुट रहना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब साम दाम दंड भेद क्या इस्तेमाल करके उन पर उनको मतलब बिखरने के लिए मजबूर कर दिया जाए, इसलिए वो सभी सुरक्षित हैं वहाँ पर और आज ही वो रांची आ जाएंगे और आकर कल वो शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कि झारखंड से उतना ये जो अलग होने के बाद से उसी के साथ उसी का हाथ में सत्ता था, लेकिन क्या दिया यहाँ के आदिवासी मूलवासी को,
कौन सा ऐसा बात कम किया है? 18-19 साल तक तो यहाँ पर लूटते रहा। झारखंड के आदिवासी मूलवासी का हक अधिकार को दबाने का काम किया और यहाँ उन्हीं का ही आदमी माइनिंग से लेके मेजर माइनिंग से लेके सब जगह उन्हीं लोग किया और हम लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी के ऊपर उन लोग को बदनाम करने के काम किया भ्रष्टाचार का। टीका मूलवासी का विद्यार्थी को और उसका साथ साथ विदेश तक यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने फ्री भेज दिया। पढ़ लिख के आ जाओ झारखंड को आपको सवारना होगा। ये है मोहन बाबू का सोच है। शिक्षा यदि हर परिवार को यहाँ का आदिवासी मूलवासी को मिलेगा तो ये समझ लिया बाहर का जो बीजेपी भाजपा लोग जो इतना दिन से हम लोग को ठगते आया है, घर घर में शिक्षा प्राप्त अगर हो जाएगा विद्यार्थी को तो आज वो ठगने का वो लोग कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनका पीछे लगा दिया एजेंसी। इतना यहाँ का बुनियादी सवाल बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए सोचा। आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र हर गांव में क्या है हमारा व्यवस्था, क्या है आर्थिक व्यवस्था, ये सारा चीज देख लिया। इसीलिए आज जो ये पेंशन